हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डेरिवेटिव चैप्टर पे लास्ट टेन इयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूँ और लिटिल बिट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन से टाइप के क्वेश्चन काफी टाइम्स हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले हैं। नाउ आप पास्ट 10 इयर्स में टोटल 18 टाइम्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव चैप्टर की प्रैक्टिस होने के बाद हमें कॉन्फिडेंस कैसे आए, उसके लिए हमें एंड मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो हमें बच्चों एंड मोमेंट पे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। नाउ पास्ट ईयर पेपर्स मैं चैप्टर वाइज रिलीज करने जा कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले मैट्रिसेस पे पास्ट 10 इयर्स के पेपर रिलीज कर दिए हैं। अब आज मैं डेरिवेटिव पे, दैट इज डिफरेंशिएशन कॉमर्स मैथमेटिक्स पे पास्ट 10 इयर्स, दैट इज 18 क्वेश्चन पेपर्स रिलीज कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपको 2024 और आगे आने वाले सभी बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने पास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर सॉल्व किए हैं, मुझे डेरिवेटिव चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और आप कॉन्फिडेंटली सारे सम्स बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। Now, let us see here. These are the general instructions in the board exam. ये instructions को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये instructions हमारे board exams में आते हैं। Now, these are the formulas in derivative. Just revise all the formulas and do the sums confidently. Formula ही सबसे बेसिक होता है बच्चों। किसी भी चैप्टर का सबसे बेसिक क्या होता है बताइए? किसी भी चैप्टर का सबसे बेसिक होता है फॉर्मूला। और जब तक फॉर्मूला टिप ऑफ द टंग नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, तब तक आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और एक बार देखो, एक बार आप फॉर्मूला याद कर लो तो आप बोलते हो ना, हाँ सर मुझे फॉर्मूला याद है, मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ। यस, तो जब फॉर्मूला याद होगा तो आपको अंदर से खुद एक कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ये चैप्टर का फॉर्मूला आता है, खाली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप एक्सरसाइज वाइज करते जाइए। मैंने पूरे के पूरे डेरिवेटिव चैप्टर पे एक्सरसाइज वाइज, टाइप वाइज, ओके, एक्सरसाइज वाइज एंड टाइप वाइज एंड मिसलिनियस पूरा डेरिवेटिव चैप्टर सॉल्व किया है बच्चों। देखिए यहाँ पे, देखिए ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जब मेरे इस प्लेलिस्ट में जाइए और नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, क्लास 12th डेरिवेटिव सीरीज आप देख सकते हैं। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको क्लास 12th की सारी वीडियोस, क्लास 12th में डेरिवेटिव चैप्टर की सारी वीडियोस मैंने एक्सरसाइज वाइज, टाइप वाइज, पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलिनियस, जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं, सब सम्स, सारे सम्स मैंने करा दिए। आप ये सारे वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको डेरिवेटिव चैप्टर में डैम श्योर सर की गारंटी आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपका डेरिवेटिव बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव स्टार्ट करने के पहले आप डियर स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव करिए। आप यहाँ देखिए क्लास 11th एंड 12th डेरिवेटिव, यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करेंगे। मैंने क्लास 11th में जो डेरिवेटिव है, क्लास 11th में जो भी डेरिवेटिव है, ये पूरे डेरिवेटिव के ऊपर मैंने बेसिक वीडियोस बनाए हैं। ये सारे बेसिक वीडियो कर लेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद आप 12th स्टैंडर्ड के डेरिवेटिव देखिए, आपका 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी चीज करने के बाद आप बोर्ड पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिए कॉन्फिडेंस के साथ। लेट अस स्टार्ट बोर्ड क्वेश्चन पेपर। दिस इज द फर्स्ट बोर्ड, रिसेंट बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईयर 2023 जुलाई। ये 26 जुलाई 2023 में हुआ था बच्चों। आप देख सकते हैं चैप्टर का वेटेज 7 मार्क है। मैट्रिसेस जो चैप्टर है, चैप्टर का वेटेज कितना है, उस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स है। सी हियर डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ लेट्स कंटिन्यू। इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स इन जुलाई 2023। दिस इज 1 मार्क एमसीक्यू, ओके, एंड देन 3
मार्क्स का दी दिस प्रॉब्लम एंड 3 मार्क्स दिस प्रॉब्लम. सो 3 + 3 + 1 दैट इज 7 मार्क्स का ये चैप्टर है. नाउ ये आपको एमसीक्यू दिया है, आप देख सकते हैं दिस इज एमसीक्यू. ये मैंने आप एमसीक्यू वीडियो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा. डेरिवेटिव की एक एमसीक्यू की वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिए. उसके अंदर मैंने सारे वीडियो पूरे एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सारा डिस्कस किया, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा. x^7 y^9 ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बच्चों. कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन पे मैंने वीडियो नंबर 7 में आप जाएंगे तो अगर आप वीडियो नंबर 7 देखोगे तो आपको ये सब मैंने सॉल्व करके दिया है. दैट इज इन वीडियो नंबर 7. नाउ p (log p) y = t^t ये सम भी मैंने सॉल्व किया है, ऑलरेडी सॉल्व किया, सेम सम मैंने सॉल्व किया है. आपको ये सम पैरामेट्रिक में मिलेगा, दैट इज आपको ये सम देखने के लिए मिलेगा वीडियो नंबर 8. आप मेरे SY की वीडियो नंबर 8 को देखिए, आपको इन सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. July 2022 y = e^log x dy/dx ये आपको अगेन MCQ के वीडियो में देखने को मिलेगा. MCQ का वीडियो देखिए, दैट इज फॉर 1 मार्क्स प्रॉब्लम. दिस इज अगेन 1 मार्क्स प्रॉब्लम. दिस इज अगेन 1 मार्क्स प्रॉब्लम एंड दिस इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम. नाउ x = 280 square y = 280 अगेन MCQ वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा. y = x log x dy/dx अगेन आपको MCQ के वीडियो में ये देखने को मिलेगा. x³ y³ = x² - y² ये बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन है और आपको ये वीडियो नंबर 6 में देखने के लिए मिलेगा. आप वीडियो 6 देखिएगा, 6 और वीडियो 7, इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आप ये इम्प्लिसिट का फंक्शन सम सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. नाउ September 2021 ये आपको log x = x + x log x दिया गया है. दैट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन. आप ये वीडियो नंबर 5 देखिएगा बच्चों. वीडियो नंबर 5 देखेंगे, आपको ये सम सॉल्व करके मैंने दिया है, आपको ये सम सॉल्व करने आ जाएगा. वीडियो नंबर 5 डेरिवेटिव का x^7 y^9 देखिए, ये सम वापस रिपीट हुआ. अभी अभी हमने देखा था x^7 y^9 ये सम ऑलरेडी आया था. सी दिस द सेम सम रिपीटेड हियर x^7 y^9 द सेम सम. इसको आप देख सकते हैं वीडियो 7 में. आप वीडियो 7 देखेंगे, आप ये सम सॉल्व कर पाओगे. नाउ देयर इज ओनली 2 सम्स सो दिस सम इज फॉर 3 मार्क्स एंड दिस इज द सम फॉर 4 मार्क्स. नाउ आफ्टर दिस February 2020 x = this y = this दिस इज अ पैरामेट्रिक. और पैरामेट्रिक पे मैंने वीडियो नंबर 8 बनाया है, आप वीडियो 8 में देखिए. x^2 y^k अगेन दिस इज इम्प्लिसिट, यू कैन रिफर वीडियो नंबर 7. नाउ y = x^(x + 7x - 1x)^(x) दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप 3 विच इज वीडियो नंबर 5. आप वीडियो 5 देखेंगे तो आपको ये सम्स आ जाएंगे. तो वीडियो 5, वीडियो 7 और वीडियो 8 देखेंगे तो आप फरवरी 2020 के पेपर को सॉल्व कर लेंगे कॉन्फिडेंटली. March 2019 दिस इज अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में आप वीडियो नंबर 6 देखिएगा, आपको आ जाएगा. फॉर दिस सम यू वॉच वीडियो नंबर दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट इज वीडियो नंबर 5. ओके एंड दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, सॉरी दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन. थर्ड क्वेश्चन इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन. ये सबको आने के लिए आप बच्चों वीडियो नंबर 8 देखिए. वीडियो नंबर 8 पे पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये मैंने सारे के सारे सम डिस्कस किए हैं, आपको ये सम आ जाएगा. नाउ आफ्टर March 19 July 18 अगेन इट इज अ पैरामेट्रिक. बच्चों 2021 से हमारा बोर्ड का पेपर जो है वो नए सिलेबस पे है. 2021 के पहले ये ओल्ड सिलेबस पे था. इसके लिए आपको 2018 में ट्रिग्नोमेट्री के भी सम देखने को मिलेंगे जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री के सम्स स्किप कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है ये सॉल्व करने का, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से अब ये सम आपके सिलेबस में नहीं है. देन यू कैन स्किप दिस सम, ये भी स्किप आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज पैरामेट्रिक एंड इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दैट इज कंपोजिट फंक्शन. तो आप ये दोनों सम स्किप कर दीजिए,
नए सिलेबस में नहीं है। यस यू कैन डू दिस सम, दिस इज अगेन, देखिए ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, दिस इज द थर्ड टाइम दिस सम इज रिपीटेड अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन दैट इज वीडियो नंबर 7। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 18 अगेन ट्रिग्नोमेट्री आया, यू कैन स्किप दिस सम, ये सब मत करिए, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, डोंट डू दिस सम, e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और आप वीडियो नंबर 7 देखेंगे, वीडियो 6 एंड वीडियो 7 देखिए, आपको ये सम सॉल्व करने आ जाएगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट ईयर पेपर 2017। नाउ यहाँ पे ये पैरामेट्रिक है, बट यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ये भी सम ट्रिग्नोमेट्री पे है, स्किप करिए। ये सम आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, तो आप वीडियो नंबर 5 देख लीजिए, आपको ये सम सॉल्व करने आ जाएगा, ये सम वापस रिपीट हुआ है बच्चों। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट ईयर मार्च 17, लॉग एक्स, यस ये सम आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप वीडियो नंबर 9 देखिए, आपको ये सम सॉल्व करने आ जाएगा, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, यू कैन रिफर वीडियो नंबर 6 एंड दिस इज वीडियो नंबर 7 अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन। दिस ईयर आपको दोनों इम्प्लिसिट फंक्शन ही पूछा है, तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जुलाई 2016, ये पावर इज टू पावर, ये पूरे को पावर पकड़ेंगे, तो इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आप इसको वीडियो नंबर 3 देखेंगे, तो आपको ये सब सॉल्व करने आ जाएगा, एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, रिफर इम्प्लिसिट, इट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, रिफर वीडियो नंबर 6 एंड वीडियो नंबर 7, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्किप दिस सम। नेक्स्ट मार्च 2016 अगेन ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्किप दिस सम, ट्रिग्नोमेट्री स्किप दिस सम, या यू कैन ट्राई दिस सम। यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है बच्चों, ये सम डेरिवेटिव का नहीं है, ये सम इंटीग्रेशन का है, तो इस ईयर में आप ये सारे सम्स 2016 आपके काम के नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, y इक्वल टू x रेस टू x, फाइंड dy बाय dx, यस ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे तो आपको ये सम आ जाएगा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का सम, स्किप दिस सम एंड यू कैन ऑल्सो स्किप दिस सम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ अगेन ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्किप दिस सम, एक्स रेस टू एक्स, देखिए ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, तो अगेन इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वीडियो नंबर 5। ओके दिस इज वीडियो नंबर इम्प्लिसिट फंक्शन दैट इज 7, तो वीडियो 5 एंड वीडियो 7 आप देखेंगे, आप ये दोनों सम सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट मार्च 2015, ट्रिग्नोमेट्री स्किप करिए, ट्रिग्नोमेट्री स्किप करिए, या ये पैरामेट्रिक है, और पैरामेट्रिक पे आप वीडियो नंबर 8 देखेंगे, तो आपको ये सम सॉल्व करने आ जाएगा। लेट अस कंटिन्यू, अक्टूबर 14, ट्रिग्नोमेट्री यू कैन स्किप, ट्रिग्नोमेट्री स्किप, ट्रिग्नोमेट्री स्किप, अक्टूबर 14 का पेपर आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बिकॉज नए सिलेबस के हिसाब से ये सब आपको आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। नाउ मार्च 14, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्किप दिस सम, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू कैन डू इट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसके लिए आप वीडियो नंबर 6 एंड वीडियो नंबर 7 रिफर करें। नाउ दिस इज अगेन ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्किप दिस सम। सो बच्चों, मैंने आपको पास्ट 10 ईयर्स के 2014 से लेके 2023 तक सारे पेपर डिस्कस किए इन डिटेल, और आपको मैंने हर एक क्वेश्चन को ये बताया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे कौन से वीडियो नंबर आपको हेल्प कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस यू कैन एबल टू, यू आर कॉन्फिडेंटली एबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप जरूर कमेंट करें कि सर आई सॉल्व प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑन चैप्टर डेरिवेटिव, इतना मैसेज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सिमिलरली इसी तरह बच्चों, मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे पास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन पेपर रिलीज करूंगा। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल रिलीज बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बाय एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। बाय एवरीवन।